कहानियाँ थी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ थी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शेयर मार्केट है, इससे बेटर रोमांटिक प्लेस या एग्जॉटिक प्लेस दुनिया में कभी थी ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली पहले तो शेयर मार्केट नहीं थी, लेकिन जब से भी ये शेयर मार्केट स्टार्ट हुई है, इससे बेटर रोमांटिक प्लेस जो है कभी भी हुई नहीं। क्यों फ्रेंड्स? वो इसलिए है कि जो शेयर मार्केट है उसमें जो पैसा है वो बेपनाह है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें। मुझे भी शेयर मार्केट में आज 50 साल हो गए करीब करीब, और 20 साल से तो मैं इन कंप्यूटर्स के ऊपर ही शेयर मार्केट कर रहा हूँ, बहुत सक्सेसफुली कर रहा हूँ। तो मैंने, मुझे तो यही लगता है कि इससे ज़्यादा जो है कोई भी एग्जॉटिक प्लेस या रोमांटिक प्लेस नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत लोगों को सुना है कहते हुए कि शेयर मार्केट में डूब गया, बर्बाद हो गया, लुटिया डूब गई, कुटिया डूब गई, भगवान जाने उनका क्या क्या डूब गया। पर सबसे बड़ा सवाल, कैन यू इमेजिन, सबसे बड़ा सवाल इन लोगों के साथ क्या होता है फ्रेंड्स? इन लोगों के साथ जो हारते हैं उनका के साथ सबसे बड़ा सवाल एक्चुअली ये होता है कि ये शेयर मार्केट में आके बाजीगरी करते हैं। बाजीगर का मतलब है सोचते हैं कि हारी हुई बाजी को जीत जाएंगे। मैंने कभी शेयर मार्केट में बाजीगरी को होते हुए नहीं देखा। कोई आदमी कभी लक से तो बाजीगरी कर सकता है, एक बारी कर लेगा, दो बारी कर लेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली या लगातार शेयर मार्केट के अंदर जो है कोई भी बाजीगरी जो है ना वो चलती नहीं है। और फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपने देखा होगा कि जैसे शेयर मार्केट है, मैंने बार बार कहता हूँ कि इसके अंदर पैसा जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो इस रेफरेंस में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखो, ऐसा है कि हम सब ने देखा है कि जैसे एक जंगल का राजा शेर है, शेर को भी जब शिकार करना होता है ना तो वो हमेशा घात लगाकर शिकार करता है। शिकार को पहले देख लेता है, मार सकता है कि नहीं मार सकता है, हाथी है तो छोड़ देता है, कोई और बड़ा जानवर है तो छोड़ देता है, बाकी जिसका वो शिकार कर सकता है ना उसको वो चुन लेता है, भले ही वो झुंड के अंदर हो, फिर उसको झुंड से वो अलग करता है और उसके ऊपर कूदता है और अपना शिकार करता है। हम शेयर मार्केट के अंदर हैं, हमको भी कुछ ऐसा ही करना है। शेयर मार्केट के अंदर हजारों शेयर्स हैं, 3,500-4,000 शेयर ट्रेड होते हैं रोज़ शेयर मार्केट के अंदर, लेकिन हर शेयर के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आपको अपना शिकार जो है ना बराबर सही चुनना है, जिसका आप शिकार जो है आसानी से कर सकते हो। शांति से शेर की तरह से बैठे रहिए, जब टाइम आए तभी जो शिकार है उसके ऊपर आप झपटिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि शेर का, जैसे शेर का शिकार अपने टाइम पे करता है, वैसे ही शेर जैसे डिसिप्लिन रहिए आप। अगर आपके अंदर शेयर मार्केट का डिसिप्लिन है, आप जो हैं हमेशा शेयर मार्केट में जीत जाएंगे। अनाप शनाप टाइम पे तो कभी शेयर मार्केट में एंटर करना ही नहीं चाहिए। तो जो की वर्ड है ये जो शेयर मार्केट में रहने का, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लाइक ए लॉयन और लाइक ए सोल्जर। SOLDIER, लाइक ए सोल्जर, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आप घात लगा के शिकार करिए, आप जो हैं शेयर मार्केट में हमेशा विन करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो है मेरी जो प्लेलिस्ट है शेयर मार्केट SMS में, जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने हिंदी में और इंग्लिश में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ वीडियोज अपलोड किए हुए हैं और भी लगातार कर रहा हूँ, आप उनको देखते रहिए। मैं आपको वो बातें उसके अंदर बताता हूँ जो कि किसी ने नहीं बताई हैं, जो कि प्रैक्टिकल हैं एक्चुअली, और आपको डिसिप्लिन भी रखेंगी। तो रहिए मेरे साथ, शेयर मार्केट में पैसा कमाइए, मेरी प्लेलिस्ट में देखिए, SMS शेयर मार्केट में जाइए, प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोज़ को देखिए, आप पैसा कमा के ले जाएंगे, मैं तो इस बात की गारंटी करता हूँ क्योंकि मैं कमाता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।